Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself, Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School, Baghpat. Welcome to you in your online class of math subject, जिसमें आज आप अपनी exercise 7B के remaining questions में से 7 से start करेंगे करना. देखिए यहाँ, in a 7, your 7 question is, in a 2-digit number, digit in unit place is twice, the digit in tens place If 27 is added to it, digits are reversed. Find the number. अगर एक दो अंकों की संख्या में जो है टू डिजिट नंबर दो अंकों की संख्या जैसे आपका 73, 24 ये सब क्या है टू डिजिट नंबर अगर आपका मान लो मैंने लिखा 24, then ये ones place, four is ones place digit and two is tens place digit. और आप इसको लिखोगे कैसे expanded form में 2 multiply 10 plus या 10 multiply 2 plus 4. इस तरीके से तो यहाँ पर हमें डिजिट को ये नंबर्स को इसी फॉर्म में लिखना होता है इन ए टू डिजिट नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस दिस वन वंस प्लेस डिजिट इज कॉल्ड यूनिट प्लेस या लास्ट प्लेस सभी इसको कहा जाता है ठीक है तो डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस ये वाली यूनिट प्लेस वाली डिजिट टेंस प्लेस वाली डिजिट की दुगनी है इफ 27 इज एडेड टू इट अगर नंबर में आप 27 ऐड कर देते हैं डिजिट आर रिवर्स डिजिट रिवर्स हो जाती हैं फाइंड द नंबर नंबर बताना है देखो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम सपोज करेंगे यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस है किसकी टेंथ प्लेस डिजिट की तो यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो हम जो सबसे छोटी वाली है कौन सी है टेंथ प्लेस डिजिट क्योंकि यूनिट डिजिट उसकी डबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक लेट टेंथ प्लेस डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इक्वल एक्स अगर आपने टेंस प्लेस वाली डिजिट को एक्स मान लिया है तब आपकी वंस प्लेस वाली डिजिट क्या हो जाएगी इट्स वंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी ये इसकी ट्वाइस है यहां पर देखो टू डिजिट नंबर में डिजिट इन यूनिट प्लेस वाली डिजिट ट्वाइस है किसकी टेंस वाली की टेंस वाली आपने एक्स मान ली तो वंस वाली यानी कि यूनिट प्लेस वाली कितनी हो जाएगी इसकी 2x अब इसके हिसाब से नंबर क्या बनेगा Now, number equal tens place वाली को 10 से multiply कीजिए 10 into क्या होगा आपका x 10x plus ones place वाली digit कितनी है आपकी 2x अभी मैंने बताया था आपको 24 है जैसे number तो आप इसको कैसे लिखोगे इस 2 में 10 की multiply करोगे प्लस वंस प्लेस्ड वाली डिजिट तो हमने यहाँ पर ऐसे किया टेंस प्लेस वाली डिजिट को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस वंस प्लेस वाली डिजिट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनती है आपकी उसको देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं आपको समझ में आ जाएगा ए डबल सी ओ आर डी आई एन जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज क्या है आपकी इक्वेशन क्या बनेगी अब आप यहां देखिए टू डिजिट नंबर है टेंथ प्लेस ये आपका टू डिजिट नंबर ये हो गया इफ 27 एडेड टू इट अगर इसमें आप 27 एडेड कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाती है तो आप इसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नंबर 10x प्लस 2x अब इसमें क्या ऐड करेंगे आप इफ 27 इज एडेड अगर आप इसमें 27 ऐड करते हैं लो कर दिया हमने 27 ऐड तो इसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है यानी कि नंबर तो टू डिजिट का ही रहेगा पर टेंस प्लेस पर कौन सी डिजिट हो जाएगी वंस वाली जो कि आपकी कितनी है 2x ठीक है और वंस प्लेस पर कौन सी हो जाएगी टेंस वाली यानी कि x ये हो जाएगा डिजिट रिवर्स हो जाती है ये हो गई आपकी इक्वेशन इसने यही कहा है कि अगर आप इसमें 27 ऐड कर देते हैं तो इसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है हमने इसके हिसाब से किया अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 10x और 2x कितने हो गए यहाँ पर इनको पहले ऐड कर लो यहीं पर कितना हो गया 10 और 2 12x plus 27 equal 10 to जा 20x plus x 20 और 1 कितना होगा 21 27 को यहीं रहने दो और ये 21x
में से 12 एक्स इधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे माइनस के। आप हमेशा आप याद रखिए, कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट प्लस से माइनस हो जाती है, माइनस से ट्रांसफर होने पर माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई। तो हम 12 एक्स को इधर ले गए तो ये किसके हो गए माइनस के, और 20 और 1 21 एक्स। अब ये कितना हो गया 27 इक्वल, इसमें से ये गए कितने बचेंगे 11 में से 2 गए कितने बचते आपके 9, यहाँ 1 रह गया 9x। अब x इक्वल निकालना है तो ये 9 यहाँ से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस साइड इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये किसका हो जाएगा आपका अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9x मींस होता है 9 मल्टीप्लाई x, और मल्टीप्लाई इधर आके किस बन जाएगा डिवाइड में यानी कि अपॉन में। x कितना हो गया आपका 9 3 27, तो x इक्वल हो गया आपका 3। बस हो गया आपका क्वेश्चन। सो ब्लैक वाली लाइन यहाँ पर देखो, सो नंबर बराबर आपका कितना हो गया, नंबर इक्वल 10 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 3। सॉल्व कीजिए, 10 3 जा 30 प्लस 2 3 जा 6 कितना हो गया आपका 36। अब अकॉर्डिंग टू ये आपका आंसर आ गया 36, टू डिजिट नंबर, सो टू डिजिट नंबर आपका 36 है। पर आप इसको चेक करना चाहें तो क्या देखेंगे, टू डिजिट नंबर है, यूनिक प्लेस की डिजिट ये है 6, जो कि ट्वाइस है किसकी, टेंथ प्लेस वाली डिजिट की फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आप इसमें 27 ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करके देखिए 36 में 27 कितना हो जाता है, ये 6 और 5 कितना हो गया 13 का 3 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 63, जो कि अपनी इस डिजिट का रिवर्स है ना उल्टा, 36 का 63 रिवर्स हो गया। आया आपको समझ में, अच्छा लगा क्वेश्चन, सेम फटाफट नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। Now come to your next question. What is your next question? बोर्ड पर नहीं लिख रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना, बुक में निकाल लीजिए अपनी बुक में, पेज नंबर 114 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। A certain number is added both the numerator and the denominator of 9 upon 17. If a certain number is added both the numerator and denominator of 9 upon 17, then your fraction reduces to 5 upon 7. Find the number. अगर कोई आपका फ्रैक्शन है, इसमें हिसाब से बता रखा है, अगर कोई आपका नंबर है, निश्चित नंबर है, सर्टेन मीन्स निश्चित नंबर है, और उसमें वो एक सर्टेन नंबर इज एडिड बोथ द, अगर कोई निश्चित नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके 9 अपॉन 17 के, इन दोनों में अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो रिड्यूस होकर कितना बन जाता है 5 अपॉन 17। फाइंड द नंबर, नंबर बताओ। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 7 क्वेश्चन है आपका, लेट द नंबर जो आपको ऐड करना है वो मान लो एक्स है। अब x किस में ऐड करना है, इसमें बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 अपॉन 17 जो आपका नंबर है। तो अब आप करेंगे अकॉर्डिंग टू, सीधा कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ रहे हो ना अकॉर्डिंग, चलो एक बार पूरा लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए डबल सी ओ आर डी आई एन जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, प्रश्न के अनुसार आपकी इक्वेशन क्या बनती है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, पर चलो मैं बता दूंगी जल्दी जल्दी में आपको। 9 अपॉन 17 जो नंबर ये आपको गिवन है, 9 अपॉन 17, 9 इज इट्स न्यूमरेटर एंड 17 इज डिनोमिनेटर। ये क्या कहा है इसमें कि अगर एक निश्चित नंबर ऐड कर दे दोनों में, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी आपने एक्स ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी एक्स ऐड किया, तो आपका ये नंबर रिड्यूस होकर क्या बन जाता है 5 अपॉन 7। अब आपको ये नंबर पूछा है कि क्या आपने इसमें ऐड किया, ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए अब इसको कैसे करते हैं,
देखिए अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सेवन इसको चाहो तो और ब्रैकेट में कर लो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेवन की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, नाइन प्लस एक्स में, ठीक है, इक्वल फाइव की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे सेवनटीन प्लस एक्स को। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर, ठीक है। आप हमेशा न्यूमरेटर को अपनी जगह एज इट इज प्लेस पर रखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को ट्रांसफर करेंगे इधर से लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हमने ये दोनों डिनोमिनेटर ट्रांसफर कर दिए, इसको इधर इसको इधर। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सेवन नाइन या कितना होता है 63, सेवन की पहले नाइन में मल्टीप्लाई फिर सेवन की एक्स में, सेवन ये एक बाइनोमियल मल्टीप्लाई, बाइनोमियल में मल्टीप्लाई हो रही है इस नंबर की, सेवन नाइन या 63 और सेवन मल्टीप्लाई एक्स सेवन एक्स, फाइव सेवनटीन फाइव या ये हो गया 75 या 35 का 5 85 होता है, 75 या 5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस 5 की x मल्टीप्लाई 5x, दिस वन इज 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x x एक तरफ और नंबर नंबर एक तरफ। अब आप 7x यहां बढ़ा है तो 5x को इधर ले जाएंगे, 63 इधर ले जाएंगे। अब ये अब 7x तो अपनी एज इट इज प्लेस पर रहा अपना, अब आपने किसको ट्रांसफर करा 5x को, 5x यहाँ किसका प्लस का, तो इधर आकर ये किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल अपनी जगह एज इट इज रहा, 85 अपनी जगह एज इट इज रहा और 63 को आपने इधर ट्रांसफर करा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। समझ में आ रहा है यहाँ पर, 7x में से 5x सबट्रैक्ट किए कितने बच गए आपके 2x, और इसमें से 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 6 गया 2। अब x निकालना है आपको तो 2 यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहां पर कहां चला जाएगा ये 22 के नीचे और किस पर आ जाएगा डिवाइड में, 22 से इसको डिवाइड कर कितना आपका आंसर आया 11, x इक्वल 11। सो द नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज x, सो द नंबर इक्वल x, ओ सॉरी 11। अब आप यहाँ इसको चेक करना चाहें, देखिए नंबर आपका x है और इसको 9 और 17 दोनों में ऐड करा है, 9 में भी और 17 में भी, 9 में ऐड करो 11 और 17 में भी ऐड करो 11, तो कितना हो गया ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 7 और 1 8 और 1 और 1 2 28। अब आप इसको किससे काट सकते हैं, 4 से, 4 से कट सकता है, 4 5 जा और 4 7 जा, क्या बन गया ये आपका 5 अपॉन 7। आया समझ में आपका, यही इसने कहा था कि जब आप इसमें दोनों में एक निश्चित नंबर ऐड करते हैं तो ये 5 अपॉन 7 के इक्वल हो जाता है। क्लियर हुआ, ये आपको मैंने चेक करके दिखाया, आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं कि आंसर क्या आ रहा है नहीं आ रहा, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा बस, ठीक है, ओके। इसको नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको समझा दे रही हूँ आप खुद करेंगे। फाइंड फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सच दैट थ्री टाइम्स द, चलो ये तो दिक्कत हो जाएगी आपको, थोड़ा सा समझा दूंगी। फाइंड फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सच दैट थ्री टाइम्स द लार्जर नंबर एडेड टू द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 93, विच ऑफ दीज आर प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन मैं अगर आपको लिख के समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इक्वेशन बिल्ड करके छोड़ दूंगी, ठीक है। योर क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड फोर consecutive odd numbers, चलो यहां से समझाई दे रही हूं, let four consecutive odd numbers, लगातार, consecutive means लगातार, लगातार आने वाले, continuous, लगातार आने वाले odd numbers जो है आपको चार लेने हैं। इसको आप समझिए, सबसे पहले अगर आप और नंबर्स को समझते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, जैसे आपको 13 लिया तो 13 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा आपका 15, फिर 17, फिर 19, इस तरीके से, तो
कितना प्ले ऐड करने पाया, टू ऐड करने पर नेक्स्ट आपको मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट आपका जो भी है उससे नेक्स्ट टू ऐड करेंगे नेक्स्ट मिल जाएगा, फिर फोर ऐड करेंगे फर्स्ट वाले में तो आपको नेक्स्ट मिल जाता है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट लगातार और नंबर मिल सकते हैं। तो अगर आपने मान लो आपका पहला आपने सेवन है तो दूसरा कितना हुआ नाइन, तो सेवन प्लस टू हुआ, फिर कितना हुआ नाइन के बाद कितना हुआ इलेवन, तो सेवन प्लस फोर हुआ। इस तरीके से फिर सेवन प्लस कितना करेंगे सिक्स करेंगे। इसी तरीके से आप अगर फर्स्ट नंबर आपका एक्स है तो लेट फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, फर्स्ट आपका एक्स है तो नेक्स्ट कितना हुआ एक्स प्लस टू और नेक्स्ट कितना हुआ एक्स प्लस फोर, फिर उससे अगला एक्स प्लस सिक्स, ये हो गए आपके चार लगातार आने वाले ऑड नंबर्स। इसके बाद इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, सच दैट थ्री टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर एडेड टू द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 93। लार्जेस्ट नंबर ये किस तरीके से है, सच दैट थ्री टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका ये, इसका थ्री टाइम्स है, थ्री टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप सीधा लिखेंगे इक्वेशन इज लार्जेस्ट नंबर का आप थ्री टाइम करेंगे कितना हो गया थ्री एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, सच दैट थ्री टाइम द लार्जेस्ट नंबर एड टू, इसको एड कर दें किसमें ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस में, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है आपका एक्स और इसका ट्वाइस दुगना कितना होगा ये टू एक्स, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिल्कुल ऐसा ऐसा आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वेशन आराम से बन जाती है। तो इसको आप स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस में ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर है इस 93, तो ये 93 के इक्वल है, इज दैट क्लियर, ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब आपको इसको इक्वेशन बन गई, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व किया, पहले 3 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे कितना हो जाएगा 3x और 3 6 जा 18 प्लस 2x इक्वल 93, ये हो गया। अब आप 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x और 18 को किधर ले जाएंगे आप 93 की तरफ, किसका हो जाएगा ये माइनस का, 5x इक्वल कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया 5 और यहाँ बच गया आपका 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा आपका 7, x इक्वल कितना हो जाएगा 75 अपॉन 5, ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा 5 5 5 जा 25 15 5 जा 75 होता है, ठीक है, तो x आ गया आपका 15। सो आपका नंबर देखिए आपका, सो 4 कंसेक्यूटिव और नंबर्स आर कौन कौन से हो जाएंगे आपका, फर्स्ट वन हो जाएगा x यानी कि 15, नेक्स्ट 15 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा आपका 17, नेक्स्ट हो जाएगा 17 प्लस ओ सॉरी 15 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 19, नेक्स्ट हो जाएगा 15 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है, आंसर हो गया आपका। और यू कैन से कौन कौन से हो गए 15 17 और 19 और 21। अब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, यू नो व्हाट इज बाय प्राइम नंबर्स, यस यू नो द प्राइम नंबर्स, नंबर्स which are having only two factors one and itself, वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं one और वो अपने आप से कटते हैं या one से, the numbers which have only two factor या numbers which are divisible by only one and itself are called prime numbers। तो यहाँ आप तो कौन कौन से prime number दिखा रहे हैं, 15 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 5 से भी कटता है, 17 yes this one is prime and 19 yes this one ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 7 से कटता है, out of these इनमें से prime number कौन से हैं, prime numbers are कौन कौन से हुए आपके 17 and 19, okay note कीजिए इसको फटाफट।
नाउ देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखिए आप फटाफट जल्दी से। क्या है आपका टेंथ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड, बुक निकाल लीजिए, बुक में देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 11, एक दो अंकों की संख्या है उसके डिजिट का सम कितना है 11, ठीक है, द गिवन नंबर इज लेस देन नंबर, ये जो नंबर है वो कम है किससे, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दें उससे कितना कम है, बाय 9, फाइंड द नंबर, नंबर बताएं, पूछा है। तो अब आपको अगर दो अंकों का सम अगर मैं कहूं, जैसे आपका यही था, आपका 24 ही दिया था, सपोज करो 24 है तो इसके डिजिट का सम कितना है 6, डिजिट का सम कितना है 6, तो अगर आप यहाँ पर एक डिजिट 2 मान ले, वंस टेंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट आपने 4 मान ली, तो टेंस कितनी होगी 6 माइनस 4, इस तरीके से निकाल देंगे कितनी आ जाएगी आपकी 2, तो इसी तरीके से आप एक डिजिट जो है वो एक्स मानेंगे और दूसरी सम में से माइनस करके निकालेंगे, इस तरीके से आप अपनी पहले इसको सपोज करेंगे। देखिए क्वेश्चन, सम आपको दिया है कितना 11, लेट टेंस प्लेस डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इक्वल एक्स, सो इट्स वंस प्लेस डिजिट कितनी हो जाएगी वो 11 माइनस एक्स, ठीक है, सो नंबर बराबर कितना जाएगा, नंबर इक्वल टेंस प्लेस वाली में 10 से मल्टीप्लाई 10x प्लस वंस प्लेस वाली डिजिट 11 माइनस एक्स, ये हो गया आपका नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन बनती है आपकी, क्या कहा इसने, द गिवन नंबर इज लेस, ये दिया हुआ नंबर कम है किससे, डिजिट को इंटरचेंज कर दें उससे, कितना 9, तो पहले इसकी डिजिट को इंटरचेंज करके लिखेंगे कि आपकी वंस प्लेस वाली डिजिट है, तो टेंस की जगह वंस प्लेस आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 10 और ब्रैकेट में 11 माइनस एक्स, ये हो गई डिजिट को इंटरचेंज करके बनी हुई डिजिट, यहाँ पर हो जाएगा वंस प्लेस वाली यानी टेंस प्लेस वाली वंस पर और वंस वाली टेंस पर, ये तो इंटरचेंज वाली डिजिट है, ये जो है नंबर इससे कम है, नंबर को इसमें से माइनस करते हैं, कितना नंबर है आपका, नंबर है आपका यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम 10x प्लस 11 माइनस, और इसको चाहे तो हम छोटा ब्रैकेट लगाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10x माइनस प्लस 11 माइनस एक्स, ये आपका नंबर था, इसमें से जब इसको सेपरेट करते हैं तो ये इससे कितना कम है 9, ये 9 के इक्वल हो गया, फाइंड द नंबर, नंबर आपसे पूछा है, अब फटाफट इसको सॉल्यूशन देखिए, इसको 10 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11 10 जा 110, और माइनस यहाँ पर कितना जाएगा 10x प्लस एक्स माइनस, अब इसको 10x में से 1x के कितने बच जाएंगे आपके 9x, और 9 में यहाँ पर खोलेंगे तो माइनस के 9x और ये प्लस के 11 किसके हो जाएंगे माइनस के 11, समझ में आ रहा है, या एक लाइन और चलो कर देती हूँ आपको, पहले हमने इसको सॉल्व कर दिया, 10x में से 1x के कितने बच गए 9x प्लस 11 इक्वल 9, अब इसको खोल दीजिए, यहाँ देखिए ये भी 10x में से 1x गए तो कितने हो जाएंगे 110 माइनस के 9x, बड़ी वैल्यू माइनस की है, 10 में से 1 गए कितने हो गए 9, और ये खोल दिया आपने, ये भी माइनस के 9x वो गए, ब्रैकेट खोलने पर बाहर माइनस के इसमें मल्टीप्लाई भी माइनस के और इसमें मल्टीप्लाई भी, ये भी आपका माइनस के 11 इक्वल 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18x, और 11 में से 10 गए आपके कितने हो जाएंगे, 110 में से 11 गया, यहाँ 10 में से, या अभी इसको यूं रहने दो, 110 माइनस 11 और ये 9 को भी इधर ले आया माइनस के 9 और ये इधर ले गए, 9 और 9 कितने हो गए 18x, माइनस के 18x आप इधर ले गए, ये हो गया, ठीक है, अब आप इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 110 और 11 और 9 कितने हो गए आपके 20 माइनस के इक्वल 18x, इसमें से इसे माइनस किया 10, 0 में से 0 गई 0, 11 में से 2 नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे, और सॉरी 11 में से 2 गया कितना बचेगा आपका 9, ठीक है,
इक्वल 18x, x इक्वल 90 अपॉन 18, ठीक है। इसको डिवाइड करें, 18 कितने जा 90 होता है, 9 जा और 5 जा, 18 5 जा 90, तो ये आपका कट गया, कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया आपका 5। अब आप करेंगे नंबर सो नंबर इक्वल क्या था आपका नंबर यहां पर देखिए ये था ओरिजिनल नंबर, आप इसमें वैल्यू रखेंगे 10 मल्टीप्लाई एक्स कीजिए आपने कितना रखा 5 प्लस 11 माइनस 5 ये हो गया आपका 10 5 जा 50 प्लस 11 में से 5 का कितने 6 56 ये हो गया आपका आंसर। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप देखिए जब आप इसमें जो है इसको रिवर्स करेंगे तो कितना बन जाता है 65 और 65 में से 56 माइनस कीजिए तो आपका कितना बचता है 9, हो गया ना ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कीजिए इसको अच्छे से पढ़िए ध्यान से, ओके।